हाय हेलो, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप लोगों को हार्ड डिस्क इंक्लोजर्स के बारे में बताया था। मैंने दिखाया था कि कैसे आप अपनी पुरानी हार्ड डिस्क को या फिर SSDs को यूज़ कर सकते हो एज ए पोर्टेबल ड्राइव और आपको कौन सा इंक्लोजर लेना चाहिए। उसी वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास NVMe स्टोरेज है तो इन दैट केस जो NGFF वाले इंक्लोजर हैं वो आपकी हार्ड डिस्क को इंक्लोज नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसमें वो हार्ड डिस्क नहीं लगेगी। तो फिर कौन सी इंक्लोजर आपको लेने चाहिए, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही इंक्लोजर लेके आया हूँ। ये है ओरिको का M.2 NVMe SSD इंक्लोजर और साथ ही में मैं लेके आया हूँ WD की ये 1 TB की NVMe SSD। चलिए इन दोनों से बनाते हैं एक पोर्टेबल SSD स्टोरेज। दोस्तों, आप बनी बनाई पोर्टेबल SSDs भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास कोई पुरानी NVMe स्टोरेज पड़ी है तो इन दैट केस आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो टू अ पोर्टेबल SSD विद द हेल्प ऑफ दिस ओरिको M.2 NVMe SSD इंक्लोजर। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डिब्बा कुछ इस टाइप का है, ये ओरिको का M.2 PVC3 है, दिखने में कुछ इस टाइप का है। 10 GBPS और 5 GBPS दो टाइप के ये मॉडल है। मैंने 10 GBPS मंगवाया है। ये टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, अल्युमिनियम अलॉय बेस ये केसिंग है और इसमें आपको UASB की सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी आप इसके फीचर्स पढ़ लीजिए। ये 2230, 2242, 2260 और 2280 M.2 इन चारों को सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स में एक स्क्रू ड्राइवर है, एक हीट सिंक पैड है और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर गियर है, एक टाइप सी टू टाइप सी USB केबल है, एक टाइप सी टू टाइप ए मैनुअल भी है वारंटी कार्ड के साथ, और यहाँ पर है इंक्लोजर। तो ये कुछ इस टाइप का इंक्लोजर है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ NGFF इंक्लोजर से तो ये साइज में बड़ा है, मोटा है और काफ़ी अच्छी हीट सिंक के साथ आता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। एक स्क्रू है यहाँ पर, इसको निकालते हैं। ये दो वर्जन में आता है, वन विद स्लाइड और अनदर विद लिफ्ट। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको इसका इंटरनल मिल जाएगा। ये इसकी PCB है, यहाँ पर आपको एक गियर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी SSD को इन स्लॉट में फिट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको निकाल के आगे लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं आगे फिट कर सकता हूँ। आप इस इंक्लोजर में BM दोनों कट वाली M.2 स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक सिंगल M कट वाले NVMe स्टोरेज को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑल इन वन M.2 इंक्लोजर है। अगर दोस्तों आपको M.2 स्टोरेज को एज ए पोर्टेबल स्टोरेज यूज़ करना है तो इन दैट केस मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप NVMe इंक्लोजर को ही मंगवाएं। इसमें दोनों ही टाइप की M.2 स्टोरेज फिट हो जाती है। ये तो हो गया इंक्लोजर। चलिए अब WD की इस 1 TB की NVMe स्टोरेज को भी देख लेते हैं। ये WD की 1 TB की NVMe स्टोरेज है, SN550। इसमें 2400 MB पर सेकेंड तक की रीड स्पीड मिल जाएगी। 1 TB की स्टोरेज है, 3D NAND टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और साथ में 5 साल की वारंटी भी मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आती है। चलिए इसको ओपन करते हैं। बॉक्स में है एक मैनुअल और यहाँ पर है मेन स्टोरेज। तो ये है WD की 1 TB की NVMe स्टोरेज SN550। चलिए इसको लगाते हैं इनक्लोजर में। तो ये कुछ इस टाइप से लग जाएगी। आप थर्मल पैड को भी लगा सकते हो, मैं इसको मेमोरी चिप के ऊपर लगा दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा थर्मल पैड्स हैं, मैं इसको कंट्रोलर IC के ऊपर लगा देता हूँ। अब ऊपर की हीट सिंक को लगाते हैं और स्क्रू को भी लगा देते हैं। तो ये मेरी 1 TB की पोर्टेबल SSD बन गई है जिसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई नई पोर्टेबल SSD चाहिए तो आप जो बनी बनाई आती है सैमसंग की T5, T7, SanDisk, FireCoda इनकी ले लीजिए। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए मैं अपनी ASUS की ZenBook Pro DUOS को यूज़ कर रहा हूँ।
अभी जो हार्ड डिस्क है वो मुझे दिख नहीं रही है, मुझे सबसे पहले डिस्क मैनेजर में जाके हार्ड डिस्क को इनिशलाइज करना होगा। तो फाइनली जो हार्ड डिस्क है वो दिख गई है। चलिए इस डिस्क की इन्फो देख लेते हैं। ये WD की WDC WDS 100T2B0C है। टोटल होस्ट रीड एंड राइट है 0GB के। पावर ऑन काउंट है 3 काउंट। चलिए अब इसकी स्पीड को देख लेते हैं। मैं क्रिस्टल डिस्क मार्क को चलाने जा रहा हूँ। इस समय इंक्लोजर का टेम्परेचर है अराउंड 46°C और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लगभग 46 के करीबन ही है। तो नो डाउट SSD अंदर काफ़ी गर्म हो रही है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंक्लोजर एंड इट्स हीट सिंक, हीट अच्छे से डेसिपेट हो रही है थ्रू आउट द अपर साइड, ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो फाइनली ये जो रीड एंड राइट है ये कंप्लीट हो गया है। मुझे सीक्वेंशियल रीड एंड राइट मिला है अराउंड 930 MB/s तक का और रैंडम में ये 87 MB/s तक का। IOPS आप देख लीजिए। तो नो डाउट उतनी फास्ट नहीं है जितने कि अगर मैं इसको डायरेक्टली PCI Express पर, मतलब कि M.2 स्लॉट पर लगाता, बट इन दिस केस ये मुझे अराउंड 10 GB/s तक की स्पीड दे दे रही है। तो फिलहाल फाइनली यही कहूँगा, अगर आपको भी एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क चाहिए तो आप इस टाइप की केसिंग लेके और हार्ड डिस्क लेके उसको पोर्टेबल बना सकते हो। अगर आपके पास पहले से हार्ड डिस्क पड़ी हुई है तो आप इस टाइप की केसिंग लेके उसको पोर्टेबल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नॉर्मल साटा बेस SSDs में आपको अराउंड 500 MB/s तक की स्पीड मिल जाती है, जबकि अगर आप PCI Express बेस NVMe स्टोरेज को यूज़ करते हो तो आपको जेनरेशन 3 में 3500 MB/s तक की रीड स्पीड मिल जाती है, और अगर आप जेनरेशन 4 को यूज़ करते हो तो आपको 7500 MB/s तक की स्पीड मिल जाती है। तो जैसे जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, साथ में जो स्पीड है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये केस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेके, इस केस को लेके, इस SSD को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं आप इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद कर रहे हो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए इस केस के बारे में और जान पाएँ कि कैसे वो NVMe स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से कोई मेरी फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इसी टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय। Thank you.